सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। अब बोले जी कठपुतली में वाईपीपी और एक पुतली वेद के सौजन्य से हमेशा आपके बीच में आता हूँ और कुछ ना कुछ खास बात आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। सभी दर्शकों को आज की चर्चा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। 130 करोड़ देशवासियों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, एक सिलिका सिलिकोसिस बीमारी को पैदा करती है और इसमें देश में बहुत सारी ये बीमारी फैल रही है। तो इसके लिए आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता मेरे इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो मेरे साथ मिल रहे हैं। तो आज मैं आपका परिचय सज्जन से बात करने चाहता हूँ, जिस दोस्त से बात करना चाहता हूँ, उस साथी का नाम है विकास रावत जी। विकास रावत जी बहुत सालों से राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी के पीड़ित लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं विकास जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आज एक पोटली रेत की राह बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो मैं कठपुतली हूँ। आज की तारीख में बात क्या हो रही है कि लोग जो है कठपुतली बन गए हैं, बड़े बड़े लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि अब बोलेगी कठपुतलियां, अब कठपुतलियां बोलने लगी है। तो हम चाहते हैं कि आपको आज मुझे बहुत ही खुशी हुई हो रही है आपसे बातचीत करने में, और आप क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं इसके लिए, लोग युवा लोग अपने कैरियर के लिए लगे हुए हैं, अपनी नौकरियों के लगे हुए हैं और आप इस जवानी में इस तरीके से सामाजिक कामों को करने के लिए आगे आए हैं। तो मैं कठपुतली मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी हुई और मेरे जैसे सुनने वालों को और भी बहुत खुशी होगी। तो विकास जी आपसे सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप ये सामाजिक जीवन में कैसे आए, क्यों आए और कब आए, थोड़ा अपना परिचय दें। धन्यवाद आप रामलाल जी, आपने इस शो में मुझे आमंत्रित किया और सामाजिक कार्य में आना मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन मैं जिस परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरे पिताजी और वो लोग 80 के दशक में ही सामाजिक कार्य से जुड़ गए और उन लोगों ने राजस्थान में विशेष तौर से सूचना का अधिकार, नरेगा जैसे कानूनों पर काम किया। आप उन लोगों से परिचित होंगे। मैं उस परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ और अभी भी हूँ। जिस उम्र में हमें खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में मैंने आंदोलन और ये सब चीजों को देखा है और जिया है। तो मेरे जहन में कहीं कहीं लग रहा था कि मैं, हालांकि इस एक मैं प्रोफेशनल व्यवसाय के अंदर हूँ, कि मैं अपना मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके इस व्यवसाय में आया हूँ, क्योंकि समाज कार्य करना बहुत ही उस तरह से एक अपने आप में चैलेंज का काम है और किस तरीके से लोगों के मुद्दों को उठाना होता है वो अपने आप में गंभीर बात होती है। दिल से बहुत बड़ी खुशी है कि इसको कहते हैं परंपरा। अगर कुछ परंपरा चीजें सीखे लोग तो आपने परंपरा को आगे बढ़ाया, इसके लिए मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी है विकास जी। और विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिलिकोसिस जो बीमारी है या ये सिलिकोसिस है क्या और ये मतलब इसका प्रारूप किस तरीके का है, थोड़ा दर्शकों को आप प्रकाश डालेंगे। सिलिकोसिस बेसिकली एक व्यावसायिक जोखिम है जो कि भारत में राजस्थान में 1957 में इसको नोटिफाइड डिजीज का दर्जा दिया गया था। और बेसिकली जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 और माइंस एक्ट 1952 में इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, क्योंकि ये बीमारी एक व्यावसायिक जोखिम है जो सिलिका कंटेंट वाले व्यावसायिक क्षेत्रों से ज्यादा हो रही है। और चूंकि लाइलाज बीमारी है तो सरकार ने इसको नोटिफाइड कर दिया गया, विशेष इस पे न्याय संगत कमेटियां बनी गई, इन्होंने इस पे रोकथाम के लिए बात भी की गई। और तरीके से सिलिकोसिस के दो प्रकार है बेसिकली जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, और ये आम आदमी को नहीं हो सकता, लेकिन जो आदमी अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और सिलिका कंटेंट के साथ में काम कर रहा है, जिसमें आपने देखा फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर हैं, माइंस में काम करने वाला बहुत बड़ा तबका है राजस्थान में जो इससे प्रभावित है। और ये दो प्रकार का सिलिकोसिस है, एक एक्यूट सिलिकोसिस होता है, क्रॉनिक। तो एक्यूट जो सिलिकोसिस है वो इतना जबरदस्त खतरनाक है कि ये ऐसे युवा साथी जो मेरे जैसे युवा साथी हैं जिन्होंने सिलिका कंटेंट के साथ में काम शुरू किया, हम बात करते हैं कि अभी जो मूर्ति कलाकार है, मूर्ति बनाते हैं पत्थर की, उन साथियों में ज्यादा संभावना है जिनका बहुत नजदीक से एक्सपोजर होता है और वो 2 से 4 साल के बीच में इससे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी उम्र एकदम घट के 4-5 साल की रह जाती है बीमारी होने के बाद।
और दूसरा है जो क्रॉनिक है, ये थोड़ा धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आता है, इसका एक्सपोजर 15 से 20 साल होता है। तो मैं जिस इलाके में जिन संस्था के साथ में काम कर रहा था या करता हूँ, वो लगभग क्रॉनिक सिल्कोसिस वाला एरिया है, जहाँ पे एक्सपोजर उस तरह का मिला है, जहाँ पे हम लोगों ने रिटर्निंग माइग्रेंट्स को कैप्चर किया है, जिनका अपना ऑक्यूपेशन हिस्ट्री माइंस रहा है। तो ये राजस्थान में सिल्कोसिस का इतिहास है कि लगभग अभी तक सरकारी आंकड़े जो कहते हैं तो लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो इस रोग से प्रभावित हो गए हैं। और जबकि जो हमारा मानना है कि क्योंकि ये माइनिंग व्यवसाय या फैक्ट्री व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं वो लगभग 25 लाख लोग हैं राजस्थान, और 17 जिले हैं जो डायरेक्ट बहुत बड़ा इफेक्टेड है, सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है माइंस डिपार्टमेंट और फैक्ट्री वाले, और वो एक साथ साथ लोगों को तोहफे में बीमारी भी देता है सिल्कोसिस। जहाँ पे जरूरत है कि हमें इस बात को उठाना था, और काफी सामाजिक संगठनों ने इस बात को साथ दिया राजस्थान में, और पीड़ितों ने खुद ने न्याय की मांग की और जयपुर लेवल तक पहुंचे, और फिर इस सिलिकॉसिस का एक नया रूपरेखा बनी। जैसे जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना इसका आजीविका से क्या संबंध है, मतलब इतना क्यों जरूरी है कि लोग वहां मरने के लिए जा रहे हैं, क्या लोगों को पता नहीं है कि कोई और बात है इस? तो कठपुतली जी, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो सीधा ताल्लुकात रखता है आजीविका से। आजीविका से इसका सीधा संबंध इसलिए है क्योंकि ये रोग काम करने से हो रहा है, मतलब ये कहीं खड़े रहने से मैं ज्यादा ठीक है, कहीं उस तरह से घूमने फिरने से नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग गए हैं काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, जो माइग्रेंट्स लेबर रही है, और उनके पास ऐसा काम जो इजी गोइंग काम था, जहाँ पे आपको विशेष दक्षता की जरूरत नहीं रहती थी, आपको बिना दक्षता काम हासिल हो रहा था, छोटे मोटे काम तुरंत वहां पे ऑन गोइंग जॉब सीख के आपने काम शुरू कर दिया, और लोगों को एक अच्छा पैसा भी दे रहा था। तो माइंस आज भी लोगों को एक अच्छा पैसा देता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता कि वो धीमा धीमा जहर भी हमारे जहन में दे रहा है। तो ज्यादातर जो अभी तक के हमारे मेरे जीवन वतरान में जो मैंने अभी तक इनके साथ में जो काम किया है, उसमें सिंगल केस ऐसा नहीं मिला है जो केस इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सारे साथी ऐसे मिले हैं जिन्होंने इस व्यवसाय में अपना लगभग 15 से 20 साल, किसी ने 5 साल अपना व्यतीत किया है। और क्योंकि राजस्थान एक अकाल उस तरह से प्रभावित इलाका रहा है, पानी नहीं है लोगों के पास, खेतियां का जोड़ कम है, तो लोगों के पास विकल्प नहीं है अपना जीवन यापन के लिए, वो गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ प्रवास करते हैं कुएं खोदने के लिए या दूसरी इंडस्ट्रीज में, या फिर राजस्थान में जो बिजोलिया, डाबी, भिलवाड़ा, कोटा का जो ब्राह्मण मंडी का इलाका है, वहां पे सीधा सीधा माइंस इलाके में प्रवास करते हैं। ये माइनिंग एक्ट के तहत कानून बने हुए हैं कि लोगों को सुरक्षा मिले, तो ये माइनिंग वाले क्या ध्यान नहीं रखते क्या इस तरीके का? आप क्या देखते हैं, आपने क्या देखा? अभी तक का जो मेरा काम का अनुभव है कि हाँ ठीक है, जहाँ पे ये अभी जन संगठनों का दबाव रहा है, जहाँ आवाज उठाई गई है, वहाँ कुछ नियोक्ता तैयार हुए हैं। कठपुतली जी, हम मालिक शब्द का परहेज करेंगे क्योंकि मालिक एक ऐसा शब्द होता है जो तानाशाह हो जाता है, हम लोग नियोक्ता की बात करेंगे, है ना अभी, क्योंकि वो नियोक्ता है जो लोगों को नियोजित कर रहा है। मालिक थोड़ा सा उस तरह का शब्द बन गया जो जैसे आप उसके गुलाम बन गए, तो गुलामी का तो यहाँ पे सवाल नहीं है, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो हम लोग मालिक नहीं बोल के नियोक्ता बोलेंगे। तो खान जो नियुक्ता है, जिनको सरकार द्वारा लीज मिल गई है, मैंडेट है सरकार की तरफ से कि वो रेगुलेशंस का पालन करे, वहां पे मास्क रखे, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, मानवाधिकार आयोग के ऑर्डर है कि आप वेट ड्रिलिंग करें, गीला पानी की तरह से छिड़काव करें ताकि डस्ट का इनहेलर कम हो, या फिर बढ़िया क्वालिटी के मास्क हो, ये सब प्रिकॉशंस के मुद्दे हैं जिन्होंने वहां पे रखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप जब माइनिंग इलाके में जाते हो तो आपको कहीं ये भी नहीं दिखने को मिलता है कि ये लीज किसकी है, ये बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको बड़े लड़ाई की बात है, अभी भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है लोगों को, संस्थाओं को, कि वो दिखा पाए कि ये माइनिंग इस ऑनर की है या इस लीजधारी की है। वहाँ आपको यही नहीं पता कि ये कठपुतली जी की माइन है या एक्स वाई जेड की है। तो अब ये तो बात करना ही एक तरीके से बेईमानी है कि वहाँ पे सुरक्षा साधन होंगे, क्योंकि सीधे तरीके से जो नियोजित होता है लेबर, उस लेबर को कभी नहीं पता होता है कि मेरे नियोक्ता का नाम क्या है, वो वाया कॉन्ट्रेक्टर जाता है, उस कॉन्ट्रेक्टर को ही पता रहता है कि इस लीज का लीज धारक कौन है। अपने मुंह में मीठा आ रहा है तो कौन छोड़ना चाहता है, वो तो बस खाना ही चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते नहीं। आपकी बात सुन के ऐसा महसूस हुआ बहुत बड़ा पैसा है जो सरकार को केवल माइनिंग के रेवेन्यू और जो इनकी रवाना पर्ची टैक्स से मिलता है, जो करोड़ों में है। एक एक डिस्ट्रिक्ट का अगर हम DMFT फंड उठा के देखें, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना दिए इन्होंने सरकार ने कि माइनिंग प्रभावित इलाकों में उस पैसे का उपयोग करना है, तो आप जब उठा के देखें, तो मैं भिलवाड़ा का एग्जांपल लेता हूं, तो वहां 600 करोड़ से ज्यादा पैसा
सालाना आता है, ऐसे राजसमंद का देख लो, अजमेर का देख लो, जहाँ 200-300 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ यही इंडस्ट्री टैक्स देती है सरकार को। और सरकार ने इसका फंड बना रखा है कि इसी का जहाँ पे कहीं कुर्ब प्रभाव पड़े हैं पर्यावरण को लेके या उस इलाके में, तो वहां पे वापस विकास कार्य करने हैं। लेकिन वो सब भी एक अलग तरीके का काम है कि वहां पे भी पैरवी और लगातार एडवोकेसी की जरूरत है, दबाव की जरूरत है सरकार पे कि किस तरीके से प्लान करवाया जाए जिला परिषद के साथ बैठ के कार्यक्रम को, ताकि लोगों के लिए कुछ रात के कार्यक्रम वहां शुरू हो सके। जी राजस्थान में कितनी जगह मतलब कहां कहां तक फैला हुआ है, आप क्या देख, किस किस इलाके में ये सबसे ज्यादा है, आप क्या कहते हैं? जी कठपुतली जी, इसमें अगर देखा जाए मेरा जो अनुभव है और सरकार ने जो नीति भी बनाई थी बाद में, और नीति में भी लगभग 17 जिलों को मेंशन किया है, और सीधा सीधा इसको 17 जिलों को हम देखें तो ये जिले वो हैं जहाँ पे माइंस का खनन ज्यादा हो रहा है, सरकार ने ज्यादा लीज दे रखी है। और उसमें आप मोटे मोटे मैं जिलों का नाम आपको बता देता हूँ, एक तो भीलवाड़ा सबसे टॉप मोस्ट है, कोटा है, बूंदी है, अजमेर है, राजसमंद है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, सिरोही है, पिंडवाड़ा जहाँ पे बहुत बड़ा इसका इफेक्टेड एरिया है आजकल आज की तारीख में देखा, करौली है, करौली में बहुत केसेस हैं जो इस माइंस इलाके से प्रभावित हैं, माइंस में काम करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो कितने कितनी संख्या है लोगों की इस तरीके से, आप कितने लोगों को ये सिलिकोसिस हो चुकी है और कितने लोग डेंजर जोन में है, मतलब की आप क्या इस पे क्या इसका क्या है, मतलब एक बार हो जाए तो क्या इलाज हो सकता है क्या इसका, कोई इलाज नहीं है इसका, बचाव अच्छा। भी उपचार है, जैसे कोरोना का हम अभी बात कर रहे हैं ना, कोरोना का भी लगभग लगभग बचाव अपने आप रखो, सावधानी रखो, तो सेम ये भी एक लंग डिजीज है जो फेफड़ों पे आक्रमण करता है, फेफड़े धीरे धीरे गला के खत्म कर देती है। राजस्थान में आप जो बात कर रहे हैं लगभग अभी 30,000 लोग हैं जो प्रभावित हमें पिछले 10 सालों में पता पड़ा है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी लड़ाई मशक्कत से, बहुत सारे जन संगठनों ने इस पे लड़ाई लड़ी है तब जाके वो सरकार को मजबूर कर पाए हैं और वो सरकार ने इनको माना है, प्रमाणित किया है। लेकिन इस पूरे उद्योग में 20 से 25 लाख लोग हैं जो इसमें डायरेक्टली इफेक्टेड लोग हैं जो काम करते हैं, और मेरा मानना है कि वो सभी एक तरह के डेंजर जोन में ही आते हैं, क्योंकि वहां पे अगर हम नियमों के तहत बात करें, माइंड सेट की बात करें, तो रेगुलेशंस कहते हैं कि इनका साल में 2 बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए लेबर्स का जो वहाँ काम करती है, तो उसी से इन लोगों को अपना आइडिया पता पड़ जाएगा कि मैं अगर प्रभावित उसमें आया हूँ नहीं हूँ, तो एक तरीके से क्योंकि ये सब लोग जांच से ही परे हैं, अभी जहाँ जहाँ जानकारी पहुंचती है, आप जैसी कठपुतलिया या जो जनसंगठन काम करते हैं उन्होंने बात पहुंचाई है, और आप देखो कि जहाँ जहाँ जनसंगठन है, जैसे सिरोही की बात करें तो वहाँ 3-4 हजार केसेज है, वहाँ अच्छी संस्थाएं काम करती है, जोधपुर में एक संस्थान काम कर रही है वहां पे 4-5 हजार केसेस पाए हैं, करौली में है, भीलवाड़ा में है, राजसमंद में, अजमेर में है, तो यहाँ सब लोग एवरेज 2-3 हजार केसेस अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन इन सब जिलों से अगर हम देखें तो लाखों की संख्या में मजदूर वहां पे अभी भी काम में इन्वॉल्व थे कोरोना से पहले, और क्योंकि माइंस का ऐसा वर्क है जहाँ पे अभी ओपन कास्टिंग है तो लगभग अभी वापस स्टार्ट हो गया था। आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है इस तरीके की मुहिम में लगे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या, राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या कर रही है, आपका क्या मानना है सरकार की क्या, क्योंकि इतना सारा टैक्स तो लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, कुछ कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कठपुतली जी, सवाल बिल्कुल एकदम स्वाभाविक बनता है, और क्योंकि आप हम लोकतंत्र में जीते हैं तो लोकतंत्र एक व्यवस्था यही कहती है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार जो है वो जनता के लिए काम करेगी और योजनाएं बनाएगी, और यही चीज हमने 2014 या 15 से ही स्टार्ट कर दिया मुहिम बनाना, 17 में थोड़ा पीक पे आए हम लोग सारे जनसंगठन मिलकर राजस्थान में, और जनसंगठनों में आजीविका ब्यूरो एक संस्था है उदयपुर से, MLPC है, MKSS जो बहुत बड़े तादाद में इस संगठन में योगदान रहा, करौली की एक संस्था है जिन्होंने भी इसमें काफी योगदान दिया अपना अलग अलग स्तर पे, आदिवासी विकास संस्था है कोटड़ा से, GSVS अजमेर से, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर एक मुहिम चलाई, सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार के जब इलेक्शन हो रहे थे पिछले अभी वाले राजस्थान के असेंबली वाले में, तो वहाँ बात रखी गई थी, दोनों पार्टियों से मिले, प्रमुख पार्टियों से, अब उनके मैनिफेस्टो में बात की गई कि ये इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीति बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार ने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था और उन्होंने उसका वादा भी निभाया, उन्होंने 3 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने इस सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए नीति का अनाउंसमेंट किया राजस्थान में, जो कि बहुत एक मील का पत्थर साबित होती है इन लोगों के लिए, और
उस नीति की बात करें तो राजस्थान शायद दूसरा राज्य है, शायद नहीं दूसरा राज्य है देश में, एक हरियाणा है जिन्होंने नीति लागू की थी, उसी नीति के तर्ज पे हम लोग यहाँ पे मांग किए थे कि यहाँ पे इस तरह के लोगों के लिए आप कवरेज दें, इनको आप कहीं कहीं राहत की बात करें या उनके जीवन को कैसे ऐसे मोड से निकाला जाए जहाँ वो अपनी बची हुई लाइफ को जी पाए। इसमें हमने नीति की बात तो की और इस नीति में सरकार ने प्रिवेंशन की बात भी की, जो एक आगे होके उन्होंने कदम उठाया कि हम लोग इसको रोकथाम के लिए भी काम करेंगे, सिर्फ केवल पैसा ही बांटना विकल्प नहीं है। तो इसके अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे बता पाऊंगा कि क्या क्या सरकार ने घोषणाएं की। आप इसके साथ साथ थोड़ा पॉलिसी में क्या विशेष चीजें जो आपकी तरफ से सामाजिक संगठनों की तरफ से क्या है और क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी धरातल पे किस तरीके से उतरे, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जोड़ते हुए? कठपुतली जी देखिए, ये बहुत ही इस तरह की नीति बनी है राजस्थान में जिसमें मांग तो काफी लगभग हमारी मांगों पर सरकार ने सहमति जताई, लेकिन एक मांग जिसपे हम लोग बात कर रहे थे कि सिलिकोसिस पीड़ित को, क्योंकि उसका जीवन चक्र आप देखोगे जो उसका प्रभावित डॉक्टर ने एक बार बता दिया कि आपको सिलिकोसिस है तो वो 5 से 6 साल की उसकी लाइफ रहती है औसत उम्र, क्योंकि उसको फिर और बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, उस इंसान को अपना एक व्यवसाय खो देने का भी गम रहता है, चिंता में रह जाता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहता। तो हमने मांग की थी कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी का आधा पेंशन के रूप में दिए जाए और लगभग 4,000 रुपए राजस्थान में इन सबको पेंशन के रूप में दिया जाए पीड़ित होते ही, ताकि वो अपना बेसिक चीजों का अपना जीवन यापन कर सके और साथ में दवाइयां और वो सब तो फ्री है ही। लेकिन सरकार ने उसको 1,500 रुपए रखा, जिस मांग पे हम लोग अभी फिलहाल कोरोना और वो सब चल रहे हैं, लेकिन इस मांग को हम आगे आपस में बढ़ाएंगे जनसंगठनों के साथ मिलकर कि कम से कम पेंशन को वापस 3,000-4,000 की जाए, क्योंकि वो 3 से 4 साल ही जीता है, उसको अगर 5-4 हजार मिल जाता है तो एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है वो व्यक्ति। सरकार ने मुआवजा राशि 5,00,000 रुपए रखा है जो पहले भी था, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि अब जिसको प्रमाणित हो जाता है रोग, वो एक प्रक्रिया है उसके तहत बोर्ड के तहत प्रमाणित होता है, उसको 3,00,000 रुपए सरकार एक नया रिहेबिलिटेशन का पैकेज देती है कि वो अपना पुनर्वास कर सके या अपनी बीमारी के लिए कर सके। लेकिन कठपुतली जी बहुत ही बेहद दुख है क्योंकि वो पैसा पूरा जैसे ही मिलता है सरकार से कि पूर्व की जो बीमारियों में खर्चा हुआ, कर्जा हुआ, जमीन गिरवी रखे हुए हैं, तो आते ही तो वैसे लोग उस पैसे पे कब्जा कर देते हैं तो उस इंसान के पास कुछ बचता नहीं है, इसीलिए हम चाहते थे कि उसको पेंशन बड़े हो जाए और ये बहुत ही उस तरह का है। फिर उसके मरने के बाद जरूर 2,00,000 सरकार उसके परिवार को दे रही है, उसके और कुछ चीजों में परिवार को आज भी कम संबल प्रदान हो। और एक जो अच्छी चीज सरकार ने की, राजस्थान सरकार ने, जिसके लिए सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए हमें, कि उन्होंने बोला कि पीड़ित के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल योग्य हैं, पढ़ने जा सकते हैं या आंगनवाड़ी में जाते हैं, उन्हें हम पालनहार स्कीम से जोड़ेंगे, जो बहुत बड़ा सहारा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इन परिवारों से, जो हमने पिछले महीने 5-6 साल में देखा है कि जब पिताजी को सिलिकोसिस हो गया तो बेटा मजबूरी में किसी होटल में चला जाता है या फिर थोड़ा उम्र दराज है 15-16 साल का तो माइंस में चला जाता है, क्योंकि उसे अपना जीवन चक्र चलाना होता है परिवार का। तो अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ेगा तो उसको राजस्थान की जो भी पालनहार नीति के तहत 1,000 रुपये महीना मिलता है, किसी के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे भी हैं तो उसका हर महीने 3,000 रुपये घर में एक इनकम पेंशन के अलावा स्टार्ट होगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी और उस परिवार में उन बच्चों को एक तरह से हौसला बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया। फिर सरकार ने ये भी बोला है कि इन्हें सब इन परिवारों को हम लोग खाद्य सुरक्षा श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ताकि उनको जो 2 रुपए किलो वाले जो गेहूं है परिवार के, प्रति परिवार प्रति मेंबर 5 किलो गेहूं, वो लाभ मिल सके, ताकि इन्हें कम से कम दाम में एक जीवन यापन का सुविधा मुहैया हो सके। प्रैक्टिकली अब नीति तो बन गया, एक नीति बना, इसकी जनसंगठनों और सिलिकोसिस पीड़ितों की मैं जीत बोलूंगा इस लोकतंत्र में, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और उन्होंने जीता। लेकिन अभी भी बहुत जिलों में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जिले वाइज इसको अलग अलग तरीके से नीति को लागू, मतलब नीति को क्रियान्वयन किया जाता है, मतलब कहीं कोई बैरियर लगा लेता है कोई, तो ये डिपेंड करता है जिला कलेक्टर और वहाँ के जो एमई है माइनिंग डिपार्टमेंट के और हॉस्पिटल वालों पे। तो हम सरकार से यही गुहार भी कर रहे हैं और अभी ज्ञापन भी दिए हैं उनको जनसंगठनों ने कि नीति को एक जैसे ही रास्ता में लागू की जाए, और क्योंकि ये नीति सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो जहाँ पे हम, ये बहुत अच्छी चीज है जहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाती है और एक तरह से जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन से अधिकारी की वजह से डिले हुआ है और कब कितने दिनों में इसका काम हुआ। अदरवाइज पहले ऑफलाइन प्रक्रिया में हम लोग
कठपुतली जी आप विश्वास नहीं करोगे, दो दो साल भर पीछा करने पे भी मुआवजा नहीं मिला है। और इस बीच में उस पीड़ित ने, पीड़ित तो चला ही गए क्योंकि वो लास्ट समय जब मरते समय जा रहे थे उनको एक आस दिखती थी कि सरकार ने कुछ घोषणा की है मुआवजे की, तो कम से कम मेरे परिवार को, नहीं तो मेरे कर्जे में मेरा परिवार पूरा खेत सब बेच देगा, मकान तक बिक जाएंगे, तो वो मुआवजा तो कम से कम मिले। तो ऐसे भी केसेस हैं मसूदा और राजस्थान में, कई केसेस हैं सैकड़ों जहाँ पे उन्होंने मरने के बाद उनके परिवार को मुआवजा मिला। विकास जी आप इतने महत्वपूर्ण काम में लगे हैं और मैं आपके माध्यम से आज इस चर्चा के माध्यम से उन सरकार के जो कर्ता धर्ता है जिनके हाथ में ये बागडोर है उनसे मैं कठपुतली भी बोल रही हूँ कि आपका जमीर जागना चाहिए। वो मरने वाला आदमी है यार, आप थोड़ा तो सोचो, अगर सरकार के पास और पॉलिसी में प्रावधान है तो वो मिलने चाहिए। विकास जी ये बहुत ही और आपके जितने साथी लोग लगे उन सबका तो बहुत धन्यवाद। मैं आगे थोड़ा सा एक तो मेरे पास सवाल और है, तो एक और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जिनको ये बीमारी है, जो जो जिनके जो इस बीमारी में पीड़ित लोग हैं उनके लिए आप क्या सजेशन करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों की सावधानी या किस तरीके की पहल करनी चाहिए जिससे कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कठपुतली जी एक तो बहुत अहम सवाल है कि ये व्यक्ति, सबसे पहली बात राजस्थान सरकार ने जो नीति बनाई है वो पारदर्शी तरीके से लागू है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लागू है, तो कृपया करके वो दलाली और ऐसे लोगों से बचे, बिचौलियों से, क्योंकि आज भी मैंने बहुत केसेस पढ़े हैं जहाँ हो सकता है बहुत सारे ई मित्र वाले हो गाँव में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इनको मुआवजा दिलाने के नाम पे हजारों रुपए की ठगी की है। तो मैं उनको ये संदेश मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि आप कृपया करके किसी बिचौलिए, दलाल या ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए जो आपको ये बोले कि मैं ये पैसा दिलाने के लिए इतना पैसा लग रहा है, सरकार कहीं कोई पैसा नहीं लेती है, प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। दूसरा, जिन लोगों का एक्सपोजर अभी उन खाइन इलाकों में है, रोग पा गया है, तो मेहरबानी करके अब वो अपना व्यवसाय बदले, व्यवसाय इसलिए बदले कि अगर उनको लंबा जीवन जीना है तो कृपया करके अपने कार्य क्षेत्र को बदलने की कोशिश करें, लेकिन वो कोविड की विडंबना भी साथ साथ चल रही है तो कहीं और किसी कार्य में जाना भी उनके लिए बहुत रिस्की हो जाता है, लेकिन वो घरों पर रहकर कुछ ऐसे काम जिसमें सरकार और कुछ संस्थाएं जनसंगठनाएं मदद करें कि उनकी आजीविका गांव स्तर पर स्टार्ट हो जाए, वो घर पर बैठे बैठे कुछ काम कर सके, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता नहीं रहती है कि वो बहुत हार्ड कोर काम कर सके, तो छोटे मोटे काम, गृह उद्योग, उस तरह के कामों में सरकार को बढ़ावा दे, किसी बड़े उद्योगों को उनके लिए लामबंद भी कराएं, उनको कराएं कि वो उनके लिए ऐसा मेटेरियल सब दे जो घर पे या सामुदायिक भवन में बैठ के इसका कुछ काम करे, जैसे रॉ मटेरियल दे दिया, छोटा मोटा सिलाई का काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिसमें मेहनत का काम शारीरिक रूप से कम हो, तो वो वाला सरकार इनको, हालांकि पॉलिसी में मेंशन भी है कि इनको आजीविका समर्थन की कोई विशेष कौशलों से ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनके परिवारों को भी दिया जाए। और ये आप देखो कठपुतली जी, बहुत आश्चर्य होता है कि एक एक गाँव में आप भीड़ में बदनोर में आ जाओगे तो एक एक गाँव में 70-70, 80-80 लोग हैं जो पीड़ित हैं आज की तारीख में, और मसूदा में भी कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे आपको 100-200 विधवाएं मिलेगी 40-45 साल की, तो उन लोगों के लिए यही है कि आप एक तो वो उनकी पत्नियां जो घरों में रह रही है वो मनरेगा काम सुनिश्चित तौर से करें, और सरकार से भी यही मांग रहेगी कि इन परिवारों को 200 दिन का काम दिया जाए, सरकार से मांग रहेगी कि 200 दिन का काम मिले, हाँ, मिले और प्रभावित परिवारों को मिले ताकि वो कम से कम उनकी पत्नियां 200 दिन का काम करके परिवार के आजीविका को बढ़ा पाएगी, क्योंकि उसकी पेंशन और वो सब चीजें मिलके मिनिमम चीजें मिल जाएगी, और हेल्थ सिस्टम में सरकार ने अभी फ्री कर रखा है, अभी नया एक चिरंजीवी बीमा और आ गया, तो एटलीस्ट वो NFSM में कवर परिवार है, तो उन्हें कहीं कहीं वो सुविधाओं के लिए भी जानकारियां लगातार जनसंगठनों के माध्यम से आप जैसे कठपुतलियां देती रहती है, लेकिन वो ईमानदारी से उस चीज को लें और आगे बढ़े, जागरूकता रखें खुद की, इस समय मास्क लगाए जरूरी है बिल्कुल उनके लिए, क्योंकि उनका तो पूरा ये डिजीज फेफड़ों पे है और कोरोना के फेफड़ों पे सीधा इफेक्ट करता है, तो जो भी सिलिकोसिस पीड़ित इस कार्यक्रम को देख रहा है या उनके परिवार वाले, वो कृपया करके प्लीज मास्क का उपयोग 100% करें, क्योंकि उन्हें तो वो संक्रमण बहुत जल्दी संक्रमित कर सकता है। और ये जानकारी दी कि जो सुनने वाले श्रोता ये जानकारी फैलाएं ताकि सब लोगों को इस बीमारी के बारे में और लोगों को पता चले, इसमें आप क्या देखते हैं, संवैधानिक मूल्यों का हनन देखते हैं क्या ये गालमेल से, मतलब ये इधर की उधर की माइनिंग की सरकार की ठेकेदारी की, कोई कोई इसमें आप कुछ चीजें देख पा रहे हैं क्या कि संवैधानिक मूल्यों का हनन आप, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है तो शायद मेरे ख्याल से
आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं और कुछ जगह तो आप पहुंच पा रहे हैं तो उसको ठीक कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या ऐसा देखते हैं? नहीं कठपुतली जी, ये तो सीधा जुड़ा हुआ है आपके संविधानों, संवैधानिक मूल्यों से, आपके मानवाधिकारों से जुड़ी हुई बात है। आप जब बात करते हो, आपको स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो उसके लिए सरकार को जो उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड जितने भी नीतिगत चीजें हैं वो संविधान ने दिए शक्तियां। संविधान आपका कानून बना दिया, माइंड सेट बना दिया, उस माइंड सेट में लिखा हुआ है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें दी जाए, बचाव की सामग्रियां, और संवैधानिक पक्ष था, संविधान ने लिखा था, बाबा साहब की जो संविधान की रूपरेखा बनी उसके बाद जो कानून बने उसी कहीं ना कहीं उसी के तहत बनते हैं सारी चीजें। और संविधान का सीधा सीधा पक्ष बोलता है माइनिंग एक्ट कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जाए, और वो सीधा सीधा हनन है क्योंकि आपको वो मिल ही नहीं रहे, तो वो तो जुड़ा हुआ चीज है, इससे कोई अलग है ही नहीं। और अगर हम इस पे मानवाधिकार भी उनके हनन हो रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी बीमारी लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे हो, आप कम समय में आप जा रहे हो इस दुनिया को छोड़ के, आपके बहुत सारे सपने होंगे परिवार के, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके अधूरे रह जाते हैं। जी, आप जी, देखो 30-35 साल 28 साल में तो लोग मर रहे हैं, जो 15 साल में चले गए वो लोग। तो जो रॉयल्टी ज्यादा सरकार ले रही है इन चीजों का भी ध्यान रखें। विकास जी एक और सवाल, ये माइनिंग में पर्यावरण कितना हानि हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं आसपास में पर्यावरण का क्या स्थिति है और ये कितना खतरनाक है? मानव तो जा ही रहा है आपकी बात से समझ में आया, लेकिन आप पर्यावरण के इश्यूज को मुद्दे को कैसे देखते हैं? सर ये तो एक बहुत कठपुतली जी आपने ऐसा सवाल पूछा है क्योंकि ये तो मैं क्या आपको दुनिया जब आप जाके देखते हो, खुद भी जब आप घूमती हो इधर उधर, पर्यावरण को लेके तो बहुत बहुत बड़ा लड़ाई चल ही रही है दुनिया में और सभी जगह चल रहा है, जहाँ पे माइंस चल रही है वहाँ पे, कि वहाँ इस तरह से सरकार ने बहुत कुछ बना दिया, डीएमएफटी बोर्ड बना दिया, पर्यावरण प्रदूषण एक बोर्ड है जो इन्वायरमेंट के लिए इनको एनओसी देता है माइंस ओनर्स को, नियोक्ताओं को, लेकिन वो सब कैसे मिलती है मुझे समझ से परे है, क्योंकि माइंस इलाके में कहीं भी आपको जितना आपने हनन किया है, दोहन किया है उस प्रकृति का, वहाँ पे वो जो लगाना है उस अनुपात से पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते है ना, और वहाँ का प्रदूषण हो रहा है, उसके आसपास गांवों में आपकी एग्रीकल्चर खराब हो रही है, आपका जो जीवन यापन है वो भी संभवतः खराब हो ही रहा है। तो पर्यावरण को लेकर तो बहुत लंबी लड़ाई की जरूरत है। एक बार क्योंकि अभी सिलिकोसिस पॉलिसी बनने से इन परिवारों को कुछ राहत मिली है, आगे जो जनसंगठन इस पे जो लड़ रहे हैं और जो सिलिकोसिस के मुद्दे की प्रभावित को आगे बढ़ाने प्रभावित तरीके से जो बढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा लड़ाई है ये, कि वो किस तरह से सरकार को पर्यावरण प्रदूषण और ये जो माइंस की वजह से इफेक्टेड जो पर्यावरण हुआ है उसको कैसे रोके, क्योंकि बहुत बड़ा सरकार को रेवेन्यू मिलता है और इसलिए सरकार इस पे शायद अभी तक ठोस कदम उठाती नहीं है। आप देखो बहुत राजस्थान में कि राजस्थान का रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट आबकारी और इन सब के बाद में माइंस आता है, जहाँ पे विशेष खनन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग खनिज से भरा हुआ है, यहाँ पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहा है, तो वो क्यों सोचेंगे कि तुरंत हम पर्यावरण के ऊपर फोकस करके पर्यावरण को सही कर दें, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो आपको ये देखना है कि इस लड़ाई को आपके माध्यम से भी हम चाहूंगा कि हम कैसे शेयर करें और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आज भी जो डीएमएफटी का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया वो क्या करते हैं कि पर्यावरण के नाम पे आप जो काम कर रहे हैं वो स्कूलों में कमरे बना देंगे, टॉयलेट्स बना देंगे, तो ये वो इफेक्टेड एरिया के इलाके में आप टॉयलेट्स और स्कूल का कमरा बना रहे हो या रोड बना रहे हो, जबकि आपको पौधा लगाना आपके लिए प्रायोरिटी है इलाके को बचाने के लिए, तो वो चीजें नहीं कर रहे हैं। तो वो चीजें कैसे हो इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण से काम जनसंख्या किया जाए। हम लोगों का एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है, ये है कि वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है, देश की हालत जो है, एक तो इसके बारे में आपका जाते जाते क्या कहना है मोटा मोटा, और दूसरा ये है कि युवाओं को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए, या युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, या युवा देश में राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपका, क्योंकि आप यूथ है, युवा है, तो ये नई राजनीति कैसे पैदा हो? हाँ नहीं, एक तो देश में जो इस तरह का अभी माहौल बना हुआ है कि हमें लगभग लगभग अपनी आवाज रखने की बात को भी दबाया जा रहा है, तो क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिन लोगों की वैसे ही दबी आवाज थी, उस आवाज को उठाने के लिए काम किया जा रहा था, तो उस आवाज को ही दबाया जा रहा है कि नहीं ये गलत है या बोलना ही गलत है, तो कम से कम उस तरह का माहौल एक उसको दूर करने के लिए युवाओं को आना पड़ेगा।
और राजनीति तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है जहाँ पे आके भाग लेना है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए युवा वर्ग जब आगे आएगा तो उन मुद्दों पे बात करें, जब हमारे रोजगार की बात करनी है आज, ठीक है, क्योंकि ये जो मुद्दा हमारा आज इसी मुद्दे से मैं वापस जोड़ता हूँ, सिलिकोसिस रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और इसमें युवा वर्ग ही जा रहा है, एंट्री कर रहा है, तो अगर उस युवा वर्ग को रोजगार ही उपलब्ध नहीं होगा अच्छा रोजगार उसका, तो इस राजनीति में उसके मायने क्या है? इसलिए उसको राजनीति में आके अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपने लिए कुछ संरक्षित नियम बनवाने पड़ेंगे, अपने लिए नीतिगत बदलाव कराने पड़ेंगे, है ना? तो वो सब चीजें जरूरी है, और देश में वर्तमान में जो माहौल बन गया है उस माहौल को बदलने के लिए सारे युवाओं को आना चाहिए। वो उनका संबंध किसी भी दल से हो मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कम से कम इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उनके कदम आगे बढ़े कि वो अपनी बात रखने के अधिकार संरक्षित हो, इस संवैधानिक मूल्यों का हमारा जो कहीं ना कहीं हनन हो जाता है या हो रहा है, उन मूल्यों का संरक्षण कैसे कर पाए युवा, और वो युवा राजनीति जब बनेगी तब हम इस देश में जवाबदेही और पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को मुक्त करके आगे बढ़ पाएंगे, जहाँ पे अच्छा सबको रोजगार, स्वास्थ्य, एक बेसिक चीजें, शिक्षा, ये तो मिले। आपकी इसी बात से मुझे अब मुझे लगता है इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर, अगर आप जाते जाते कुछ और आपके विचार कुछ रखना चाहते हैं दर्शकों से और लोगों से, तो आप पूरे इस कार्यक्रम के बारे में तो आप जरूर बोलिए। नहीं, मैं तो आज बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके कार्यक्रम ने मुझे इसमें चुना, मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि मैं तो इस पूरी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जिसमें बहुत हमारे साथी लोग राजस्थान से जुड़े हैं, उन सब ने इसमें बहुत अपनी लड़ाई अहम तरीके से लड़ी है, तो सारे सिलिकोसिस पीड़ित साथी जिन्होंने लड़ाई को खुद से लड़ी आगे जाके। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से कोरोना का सेकेंड लेव चल रहा है, तो प्लीज सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क पहने, लेकिन कहीं कहीं अपने अधिकारों की बात हमेशा करते रहें, इस संवाद की प्रक्रिया को खत्म ना करें। संवाद चाहे सरकार से हो चाहे राजनीतिक दलों से हो, संवाद हमेशा बना रहना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम संवादहीन बन जाएंगे, संवाद ही नहीं करेंगे, तो हमारी बात आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो संवाद को चालू रखने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें आप एक बहुत बड़ा माध्यम प्ले कर रहे हैं, आपके माध्यम से सैकड़ों साथियों तक बात पहुंचेगी, वहां से फिर आगे तक बात ग्रासरूट तक पहुंचती है। और केवल राजस्थान राज्य की बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलिकोसिस राजस्थान में ही है, ये तो आप कर्नाटक में जाओ तो वहाँ भी मिल जाएगा, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में झाबुआ इलाके में काफी आदिवासी इलाके में वो बेचारे पीड़ित है, जिन्हें आज तक कोई रास्ता ही नहीं पता कि कैसे सरकारें इनके ऊपर मुआवजा देगी, तो ये अलाव तो वहाँ भी जलनी चाहिए, है ना? तो आप ये तो जहाँ जहाँ आप इसकी अलग जगा सकते हैं इस मुद्दे की बात रखनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो एक तरीके से जिनकी मौत खूनी मौत है, मतलब आप वहाँ काम खूनी रोजगार कह सकते हो, जिस रोजगार में आप गए हो कमाने के लिए, लेकिन आपका अंत में एक मौत निश्चित हो रहा है, तो उस रोजगार से तो कहीं कहीं हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो ये अलाव पूरे देश भर में जलानी है, और इस अलाव को जलाने के लिए इस तरीके से आप जैसे जो युवा लोग हैं काम कर रहे हैं, और जितनी भी संस्थाएं सिलिकोसिस पीड़ित लोगों के लिए काम कर रही है, उन सबका मैं कठपुतली आप तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक पोटली YPP आपका इसके लिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक बात आपने जैसे रखी, इस समय कोरोना महामारी में बहुत सारे परिवार के लोग अपने परिवारों को खो रहा है, उनके लिए भी मैं इस मंच से श्रद्धांजलि देता हूँ। आपने एक बात और कही कि संवाद होना चाहिए, तो सरकार भी अभी संवाद कर नहीं रही है, इस लॉकडाउन के मामले में भी किसान अभी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनको उनके उनके मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, ये सब चीजें भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से लगे रहें। आपको जिंदाबाद, आपकी पूरी टीम को जिंदाबाद, आपने जिस तरीके का इंस्पिरेशन मुझे दिया, वाकई मैं बहुत बहुत दिल से अंदर से बहुत दुखी हूँ कि आज भी लोग मर रहे हैं, और वो मरने का कागज लेके तैयार खड़े हैं, और उसमें भी अभी भी कमियां आ रही है सरकार की तरफ से, ये सब ना हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ, जिंदाबाद आपको, जिंदाबाद। तो अब बोलेगी कठपुतली YPP एक पुतली रेत के सोचने से आपके बीच में हमेशा आती रहेगी, और बहुत बहुत शुक्रिया, इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, और हमारे हमारे ये जो संदेश है इनको सुनते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार।